LWF क्लासेस, ईजी वे ऑफ लर्निंग, आदमी का अनुपात, गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखित यह कविता आपने भी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक छोटे से कोरोना वायरस ने आदमी को उसकी औकात दिखा दी, तब भी आदमी अपने अहम, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा को त्याग नहीं पाया है। वह अपने आप को आज भी तुर्रम खां समझता है। इस लिहाज से आदमी का अनुपात निश्चय ही व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर ला सकता है और साथ ही उसे सोचने पर मजबूर कर सकता है। आदमी का अनुपात आदमी को उसकी वास्तविक स्थिति तक ले जाता है और उसे चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। कोरोना काल में यह कविता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आशा है यह कविता आपको पसंद आएगी, साथ ही आपके चिंतन को नया आयाम देगी। आइए कुछ शब्दों में उनका परिचय जान लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को गुना मध्य प्रदेश में हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में हिंदी साहित्यकारों में उनका नाम उदीयमान कवियों में शामिल था। प्रारंभिक शिक्षा हुई झांसी में, जो उत्तर प्रदेश में है, और MA व LLB की पढ़ाई की लखनऊ विश्वविद्यालय से। पहले वकालत की और फिर दिल्ली में आकाशवाणी में काम, तत्पश्चात दूरदर्शन में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने ढेरों कविताएं लिखी हैं और काफी प्रसिद्ध हुई हैं। 10 जनवरी 1994 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आज हम आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी एक महत्वपूर्ण रचना आदमी का अनुपात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इस आशा के साथ यह आपको सोचने को मजबूर करेगी। दो व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही। देश कई पृथ्वी पर अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। परधि नवगंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां, यह है अनुपात। लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां, यह है अनुपात। आदमी का विराट से, यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्या तीत संख सी दीवारें उठाता है। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत संख सी दीवारें उठाता है। अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी सी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है, परधि नवगंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां, यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत संख सी दीवारें उठाता है। अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। दोस्तों,
आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें, इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।